सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले होने पर भी, मुंह मांगी चीज सबको देने वाले होने पर भी, आज भगवान मक्खन यहाँ पर चुरा चुरा करके खाते हैं, इतनी इनको उसमें मिठास मालूम होती है। तो ये भगवान की भक्ताधीनता प्रेमाधीनता, इसका कोई भी कहीं पर और जोड़ नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हुए नलकूबर और मणिग्रीव अब ये सामने दिखने वाले ये उखल में बंधे बालक, ये बाल लीला के बाद सामने आ गई, तो ये ज्ञान वहाँ पर इनका जो था ये तो अब बंद हो गया और कहने लगे, नम परम कल्याण, नमस्ते विश्व मंगल वसुदेवाय शांताय जगुनाम पतय नमः। महाराज मत्स्य कूर्मादि अवतारों में आपने असुरों का विनाश किया, साधुओं का परित्राण किया, पृथ्वी पाप भार से मुक्त हुई, जगत में सनातन धर्म की संस्थापना हुई, इसमें जगत के जीवों का कल्याण हुआ कोई संदेह नहीं, पर आपके स्वयं भगवान रूप के आविर्भाव में असुर मारने के बद इत्यादि की तो बात दूर रही, वहाँ जो कल्याण जगत का हुआ, यह जगत का परम कल्याण हुआ। ज्ञान तक कल्याण है और प्रेम परम कल्याण। मध्य कूर्मादि बड़ा नृसिंहादि अवतारों में प्रेम लाभ नहीं हुआ, कल्याण हुआ, जगत का कल्याण हुआ, साधुओं का कल्याण हुआ, धर्म का कल्याण हुआ, किंतु इस आपके स्वरूप में कि आप नमः परम कल्याणम, आपका परम कल्याण स्वरूप हैं, आप इस रूप में जगत को प्रेम प्रदान करके अपनी प्रेमाधीनता की घोषणा करके जगत को प्रेम दान करते हैं और इस अवतार में आप परम मंगल हैं। उन अवतारों में आप मंगल थे, पर मत्स्यावतार की कितनी कथा, कूर्मावतार की कितनी कथा, कितना चरित्र छोटा सा, बारहवतार का कितना चरित्र छोटा सा, फिर रामकृष्ण अवतारों में आपने ऐसे ऐसे चरित्र किए जिनको जगत के कई लोग गाते गाते लिखते लिखते थक जाते हैं, चरित्र पूरे नहीं होते, और उनके ज्ञान से उनके श्रवण से जगत का अनंत काल तक कल्याण होता रहेगा, मंगल होता रहेगा। तो और अवतारों में आप मंगल स्वरूप हैं, इस अवतार में आप परम मंगल हैं, जगत को प्रेम देने वाले और जगत के साथ संबंध स्थापित करके उनके जैसे बनकर, ये अप्राकृत का प्राकृत बनकर प्राकृत रीति के अनुसार लीला करना, ये बड़ी विलक्षण बात। अप्राकृत में प्राकृत बना लाकर भगवान अपने को ठीक बालक बनाकर, ठीक मानव सा बनाकर, उसी प्रकार की सुख दुख की मानव अनुभूति हो रही है, इस प्रकार के बनकर भगवान जो लीला कर रहे हैं, ये इसी अवतार में कहते हैं कि आप अनावृत परमानंद घन विग्रह हैं वास्तव में, परंतु आप स्वयं अपने आप को ही आप ढके रहते हैं, आप यादवों के पति हैं, आप हमने इस सारे परिवार के लोगों के आप स्वामी हैं, आप मित्र हैं, आप हमारे अपने हैं, और आप शांत हैं, आप वासुदेव हैं, वसुदेव के आप पुत्र हैं, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। यूं नमस्कार करते करते एक घटना हुई, वो क्या हुआ कि गोप बालक जो खड़े थे अलग, उनकी तरफ दृष्टि गई नलकूबर और मणिग्रीव, तो उन्होंने देखा कि वो मानो डरे हुए हैं। नलकूबर और मणिग्रीव ने देखा कि गोप बालक जो है वो डर से रहे हैं, न तो भाग सकते हैं, भागने में डर लगता है,
न आगे बढ़ सकते हैं। तो नलकूबर मणिग्रीव के मन में यदि नाम बताइए नमक कहते कहते ये भगवान को प्रणाम किया और उन साथियों की तरफ सखाओं से उनको दृष्टि गई तो उनके मन में ये भाव आया कि भाई मुझ पर नारद की कृपा नहीं होती तो भगवान मिलते क्या, तो भक्त की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं, तो इनकी कृपा होनी चाहिए, इनकी कृपा हो मुझ पर तब मैं निहाय हूँ। क्यों ऐसे ये भगवान के वाक्य हैं कि आदि पुराण के वाक्य अर्जुन से कहा भगवान ने कि ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश ते जना मद भक्तस्य ये भक्ता से मे भक्त तमामता। ये भगवान ने आज पुराण में अर्जुन से कहा कि जो केवल मेरे भक्त हैं वे मेरे भक्त नहीं, और जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे भक्त तम हैं, वे भक्तों में शिरोमणि हैं, ये उत्तम भक्त हैं। ये कहा तो इनके तो ऐसा इनको स्मरण हुआ। तो भगवान कहने का मतलब कि मेरी अपेक्षा भी मेरे भक्त श्रेष्ठ है, मेरी सेवा की अपेक्षा मेरे भक्तों की सेवा श्रेष्ठ है। तो इनके मन में आया कि जरा हम लोग गोप बालकों के चरणों में जाकर लुट जाएं। और लौटने की जब इच्छा बने हुई उधर जरा ताका तो ऑर्डर उधर ताका लौटना तो अलग रहा, उधर जरा सा इन्होंने ताका से बिचारे ऑर्डर। तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारी तरफ देख रहे हैं, गोप बालकों ने देखा कि ये तो हमारी तरफ आंख से देख रहे हैं, मगर हम क्या करेंगे आकर के। तो और भी वो विस्मित भीत और जड़ हो गए। तो अब ये महाराज इनके मन में अब डर हुआ नलकूबर और मणिग्रीव के, गोप बालकों का भय संकोच। और फिर उनके मन में एक बात ये आई कि हमारी तरफ से देख रहे हैं और ये लाला के पैरों में बार बार अपना सिर रख रहे हैं कि कोई कहीं दैत्य वैत्य तो नहीं है, पहले पूतना आई थी और वो अघासुर आया था वो आया था, तो ये कहीं हमारे कन्हैया का अनिष्ट तो नहीं कर देंगे। अब इस बात को लेकर के उनको और भी भय हो गया, तो वे विस्मित और चकित होकर के और व्याकुल से हो गए। तो ये देख करके मणिग्रीव और नलकूबर मणिग्रीव का मुंह सूख गया, ये सोचा कि राम राम ये हमने क्या किया, हाय हाय ये हमने भक्तापराध कर दिया। होने के लिए कि किसी के धर्मों की प्रणति करने के लिए और भगवान की स्तुति करने के लिए ये तो काम हमने ठीक किया, तो इतनी देर से हम खड़े जो रहे यहाँ पर हमारे खड़े ही डरते रहे, ये भक्तापराध इसकी निष्कृति कैसे होगी। हमने अपना श्रवण किया, इनको हम भगवान के चरण हमको मिले कृपा मिले, ये तो अपना स्वार्थ था, पर भक्ता पराग जो हो गया, इतने भक्तों को इतनी देर तक हमने डराए रखा, सको संकोच में रखा, तो अब हमारी क्या गति होगी। अब इनके सामने तो वो भगवान के वाक्य प्रकट हो गए, भगवान ने कहा है कि मेरे अपराध जो है ये तो क्षमा हो सकते, पर भक्त के अपराध को क्षमा करने की शक्ति नहीं। अम्बरीश जब अम्बरीश ने एकादशी का व्रत था और पारण कर लिया, तब दुर्वासा जी बड़े क्रुद्ध हुए, दुर्वासा जी ने क्रुद्ध होकर के कृत्या उत्पन्न की, कृत्या अम्बरीश को मार नहीं सकी, और कृत्या को भगवान के चक्र ने उसका अंत कर दिया। अब वो चक्र दुर्वासा के पीछे चला। अब दुर्वासा जी महाराज आवाज गति थे, सारे लोगों में घूमे, घूमते घूमते महादेव जी के पास गए, उन्होंने कहा मैं नहीं रखता भक्त के अपराधी को, आगे चाहो बोले कहाँ जाए, बोले विष्णु भगवान के पास जाके पढ़ाई चलना चाहो। तो वैकुंठ में पहुंचे, दूर से भगवान बचाओ बचाओ, मरा मरा ये चक्र मुझे मार रहा है।
वहां से आदर स्वागत नहीं किया भगवान ने। मुनि से भगवान बड़े सौम्य दूसरी जात में सबका स्वागत करते हैं। आज कहते हैं जो जो बचाने के लिए पुकार रहा उसको भगवान अरे नहीं देते। वो कहते हम भक्त पराधीन हो कि स्वतंत्र हे ब्राह्मण देवता मैं भक्त के पराधीन हूँ मैं स्वतंत्र नहीं। क्या बात थी भक्त अपराध का। भक्त कौन ये दारादार पुत्र आपके प्राण वित्त निम फरम छिवा माम शरणम या था कथम का सत्य मुक्त जिसने कब तो छोड़ दिया। दारागार पुत्र आपके लोक पर लोक सबको छोड़ दिया जो भगवान के शरणापन्न हो गया। भगवान कहते हैं जैसे सत स्त्री सत पति को वश में कर लेती है इसी प्रकार मैं उन भक्तों के वश में हो रहा हूँ और मैं तो उन भक्तों को ही जानता हूँ। वो भक्त मुझको जानते हैं मैं उनको जानता हूँ। वो तो मेरा हृदय मैं उनका हृदय। तुमको अगर बचना हो तो इसलिए चले जाओ वहीं वहाँ तुमको दंड नहीं मिलेगा। मेरे जो भक्त होते हैं भगवान के भक्तों के लिए नहीं ना है बुरा करने वाले का भला करना ये भक्त का लक्षण है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणा ये वचन भगवान ने भक्तों का लक्षण बतलाते हुए सबसे पहले श्लोक में सबसे पहली बात कही मेरा भक्त किसी प्राणी से द्रोह नहीं करता किसी प्राणी में उसका द्वेष नहीं है। ये पहली बात केवल द्वेष ही नहीं है इतनी बात नहीं केवल नकारात्मक वस्तु नहीं नेगेटिव नहीं मित्र वो सबका मित्र है सबका भला चाहता है अपना सुख देकर मित्र के दुख को दूर करता है। मित्र के दुख को मित्र की विपत्ति को मित्र वही जो विपत्ति बटावे मित्र की विपत्ति से आप ले लेता है और अपना सुख मित्र को दे देता है। इस प्रकार का मेरा भक्त है और जहाँ दुख देखता है वहाँ मेरा भक्त दयाद्र हो जाता है वो करुणामय हो जाता है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी उसे इतना उपकार करने पर भी कहीं ममता नहीं होती अहंकार नहीं होता अपने सुख दुख में समान रहता है और बुरा करने वाले का भी भला करता है। क्षमी का अर्थ ही क्षमी का अर्थ इसीलिए क्रोध और क्षमा का अंतर है। मनु महाराज ने धर्म के जो 10 लक्षण बताए इसमें क्रोध को अलग कहा क्षमा को अलग कहा। किसी आदमी के द्वारा अपराध हो जाने पर उस पर क्रोध न आना या क्रोध है मन में क्षोभ न आना लेकिन उसका अपराध तो मन में बना हुआ है। हम अगर अपराध न भी उसका माने तो भगवान उस अपराध का उसे दंड देंगे। जैसे किसी आदमी में आपके रुपए पावने हैं आप तगादा नहीं करते पर वो बच्चे खाते लिख करके खाता बराबर नहीं हुआ चुनावी पहले थी नहीं आज के कानून में तो इसे हो गई तो वो खाते की रकम उसके बेटे पोते मांग सकते हैं और वो उसके बेटे पोते उसके ऋणी हो सकते हैं। पर यदि वो रकम बच्चे खाते लिख करके खाता बराबर हो या कोई नहीं मांगता तो अक्रोध में खाता बराबर नहीं होता क्षमा में खाता बराबर होता। बुरा करने वाले के लिए भगवान से वरदान मांगना हे भगवान तुम इस पर क्षमा करो काकुसुंड जी ने मांगा पहले काकुसुंड जी के गुरु जी ने मांगा। तो इस प्रकार से ये भक्त क्षमी होते हैं क्षमावान होते हैं लेकिन भक्तों का अपराध भगवान नहीं सह सकते। तो भगवान ने कहा जाओ तुम अम्बरीश के पास वहाँ महाराज क्या दशा अम्बरीश की जब से ब्राह्मण गए ऋषि गए पीछे चला तब से ये अम्बरीश तो अनशन करके खड़े हो रहे हैं वहाँ पर हाय हाय मेरे कारण से और ब्राह्मण को कितना कष्ट हो रहा है क्या गति हो ये मैं कितना अपराधी अपने आप को दोषी मान रहे हैं और खाया नहीं। ये महाराज साल भर के बाद आए वहाँ तो थोड़ी देर लगी खड़े हैं अब ये बड़े बड़ा अपराध करने वाले इन्होंने सोचा मन में दुर्वासा ने क्या होगा अरे जिस अपराध को भगवान क्षमा नहीं कर सकते भगवान कहते भक्त बराधी इनको तो मैंने मारने का उपक्रम किया था मामूली बात थोड़ी
जिसको मारने के लिए मौत पैदा कर दी, मैंने मौत नहीं मार सकी, ये अलग बात है। मौत तो पैदा मैंने करी दी थी, उसका भी उत्पन्न कर दिया था। ये क्या करेंगे मेरा, दूर से देखा चक्र को आते हुए, वो जलता हुआ चक्र, आग उगलता हुआ चल रहा पीछे पीछे, दुर्वासा के भागे भागे आ रहे हैं। अम्बरीश 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 जी महाराज गदगद हो गए, आंख से पानी बहने लगा, बड़े करुणार्थ हो गए और चक्र विवेचन का स्मरण करने लगे। हे भगवान आप बचाओ इसको, ये ब्राह्मण देवता के दोष है, इनको इनकी रक्षा आप करो। महाराज दुर्वासा बदल गए, दुर्वासा ने देखा आज मैंने भक्त का प्रभाव देखा। भक्त ऐसा होता है जो बुरा करने वाले का भला करे। उमा संत के यही बड़ाई, मंद कर दसो करे भलाई, ये भक्त की महिमा। तो ऐसे भक्त का कोई अपराध कर दे तो भगवान उसे कह नहीं सकते। तो नलकूबर और मणिग्रीव डर गए कि हमने तो भक्त का बड़ा अपराध कर दिया। अब इनको अब तक तो वो देख रहे थे श्याम सुंदर को ही। श्याम सुंदर को देखते देखते उनके मन में याद आ गई बात कि भक्त जो है भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं, तो भक्तों की तरफ देखें। उनकी तरफ देखते ही फिर मन में आ गए इनके इनके चरणों में प्रणाम करें या इनके चरण की धूल ले लें। जब उधर देखा चाखने लगे तब वो और डर गए। तब इनके मन में इतनी देर तक इनको डराते रहे खड़े रह करके, तो ये उनसे बड़ा अपराध हुआ। तो फिर सोचा देखो ना कितनी देर हुई, ये और एक अपराध हुआ। ये वृक्ष गिरे और वृक्षों से हम निकले, क्योंकि मधुर लीला हो रही थी कि सखा सखा आपस में विमान में क्या क्या सोच रहे थे, ये बंद हो गई। तो हमने तो मधुर लीला में आकर के बाधक का काम किया, ये भैया हमारा भक्त अपराध हो गया। भक्त वो बालक कितने प्रसन्न से कितने सुखी थे अपने अपने कन्हैया के साथ खेल खेल करके, कभी उखड़ चलाते कभी कुछ करते, न मालूम क्या क्या खेल करते। हम वृक्ष बने तब भी भक्त अपराध किया, वृक्ष कूद करके पड़े डर गए। और वो जो डरे से डरे वृक्ष तो पुराने थे ही, हम जो निकल गए हमने सोचा आदमी के स्वरूप में नहीं निकलना चाहिए, इनको डर होगा। हम निकल गए तो ये और भी ज्यादा एक हमारे लिए अपराध की बात हो गई। तो अब कहने लगे बच्चों से मन ही मन की हो सकाओ, हे भगवान के भक्तों आप भगवान से अधिक दयालु हो, आप कृपा करो। अब हम हमारे जो अज्ञान से अपराध हो गया इसे आप क्षमा करो, अब हम नहीं ठहरेंगे यहाँ पर, अब हम जल्दी चले जाएंगे। अब तक जो हम रहे ये हमारा अपराध था, और असल में तो देवता को पृथ्वी के स्पर्श का अधिकार नहीं। इस रूप में देखते हैं देवता पृथ्वी को छूते नहीं है, ऊपर रहते हैं, ये उसको देश के रूप में लेते हैं। तो देवता इनको पृथ्वी को छूने का अधिकार ही नहीं था। और फिर हम तो थे अपराधी, और दूसरे फिर ये लीला भूमि मामूली भूमि ने भूमि को छूने का अधिकार नहीं, और हम तो श्री कृष्ण की लीला भूमि में आपके सखा की लीला भूमि में हम यहाँ पर आए और आ करके और हम यहाँ पर खड़े रह गए, भूमि का स्पर्श किया। तो ये महाराज ये मेरा हम लोगों का बड़ा अपराध हुआ। तो देव से नाराज अगर साफ दे देते तो जाओ कहीं वृक्ष हो जाओ, बड़ी भूमि की बात नहीं कहते। ये नहीं कहते कि श्याम सुंदर कि तुमको तुमको स्पर्श प्राप्त होगा, तो आत्म दर्शन भी कहा होते। हम तो आज कृतार्थ हो रहे हैं कि भगवान के साथ साथ इतने भक्तों के जिनके साथ भगवान बिल्कुल संकोच होकर के बालकों के साथ बालक बनकर ये लीला हमने कभी देखी नहीं। तो कहते हमने लीला कभी देखी नहीं सुनी नहीं, हमने श्रवण सुने हैं बड़े बड़े। नारद जी महाराज आया करते हैं, बड़ी बड़ी श्रवण सुनाया करते हैं, हमारे पिताजी के बाद ऋषि मुनि आया करते हैं, बड़ी बड़ी गाथाएं सुनाते हैं, पर इस प्रकार उखल से बंद करके बालकों के साथ बालक बन करके ये खेले, ये तो नारद जी शरीर से भक्तों का प्रताप, और आप भक्तों का ये हम पर बड़ा भारी, ये आप अब तक बोले नहीं, खड़े ही रहे, कहीं आपके मुंह से निकल जाता चले दुष्ट हटे हो यहाँ से, तो फिर हमारी क्या गति होती। आपके दयालु हैं, इस प्रकार वो श्रवण करते करते
और वो बोले बस अब हम हरे रवि खेड़ खेल रहेंगे। अब वो दुख के साथ नलकूबर और मणिगिरी ये श्री कृष्ण से कहा, अनुजानन भगवान करो हे सर्वेश्वर, हम महापराधी हैं, हम जीवों में अधम हैं, अर्थात हम अपना परिचय क्या दें, हमारा परिचय तो हमारा पाप दे रहा है, हमारे कर्म हमारे परिचायक हैं, हम क्या परिचय दें आपको, हमारे मन में ये एक भरोसा है कि आप हम आपके पार्षद अनुचर देश नारद के दासानुदास हैं, ये उनके दासानुदास हैं। और ये हमने सुना है कि जिस पर भक्त की कृपा हो जाती है इसको आप अपने चरणों में स्थान दिए बिना रहते हैं, जिन पर आपके भक्तों की कृपा हो जाए उनको आप अपने चरणों में स्थान दिए बिना रहते नहीं, ये आपका स्वभाव है, क्योंकि आप धक्का अनुग्रह का कर रहे हैं, हमारे समान महापराधी नहीं और आपके समान दयालु नहीं, और आपके भक्त नारद जी के समान अनुग्रह करने वाला कौन, जिन्होंने अनुग्रह करके हमको ब्रज भूमि में निवास दिया, चाहे वृक्ष होकर के ही दिया, और आज आपके श्री चरणों के दर्शन से हम धन्यादि धन्य हो रहे हैं, आपके चरण प्रांतों को छोड़कर जाने की हमारा इच्छा नहीं होती, इच्छा होती है कि चरणों में ही लुटे पड़े रहे, लेकिन बड़ा संकोच होता है हमारे तेजबुंद शरीर को देखकर, ये भी एक ऐसा अहम शरीर है जो आपके सखाओं को डरा रहा है, तो आपकी आपकी मधुर बाल लीला में हम लोग बाधक हैं, इस महापराध से बचने के लिए हम महाराज जल्दी जाना चाहते हैं, लेकिन सेवा हम भी चाहते हैं, आपकी सेवा इन जैसे हमको मेरे फिर मन में आया कि इन जैसी सेवा कैसे मिलेगी, ये तो प्रेमियों की सेवा है, हम तो बस साधक हैं, जो साक्षात सेवा का जो अधिकार है वो प्रेमियों को मिलता है, इस कृष्ण की लीला में ये अधिकार तो बस ब्रज की गायों को है, ब्रज के गोपों को है, ब्रज की गोपांगनाओं को है, हमारा ये अधिकार नहीं, हमारा अधिकार तो ये है कि साधन भक्ति हम करें, तो साधन भक्ति के रूप की प्रार्थना करते हुए वो ये श्लोक कहते हैं, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, बड़ा सुंदर, ये असल में हम सब लोगों के जानने की सीखने की चीज है, तो वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सु मनस्तव पादयोर नः नृत्यां सदस्तव निवास जगत नामे दृष्टि सदाम दर्शने सुभवत तनु नाम। बस भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करने की यही चीज है कि हे भगवान, हम बहिर्मुख जीवन, हमारी सारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, हमारी कर्मेंद्रियां बहिर्मुख हैं, हमारा मन बहिर्मुख है, हमारा मस्तक नित्य निरंतर भोगों के आगे इससे चूकता रहता है, हमारी आंखें सदा भोगों को देखती रहती है, ये सारा का सारा अपराध है, इससे हम दूर रहे, और क्या हो कि हमारी राजेंद्री हमारी जीभ नित्य निरंतर आपके नाम रूप गुण लीला कथा का वर्णन करते है, वाणी गुणान कथने स्वर्णन और कथा ने सुनो रसना और न गयों, जिज्ञा कर ली तुलसीदास जी महाराज ने, वाणी के द्वारा दूसरी बात कहूंगा नहीं और कान के द्वारा दूसरी चीज सुनूंगा नहीं, यही सब जो करना है, हमारी वाणी न मालूम कितना कितना नरगल बोलती है, वाणी के द्वारा बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं, बहुत बड़े बड़े विग्रह होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कलह हो जाती है, बहुत बड़े बड़े महायुद्ध बन जाते हैं, साफ दे देते हैं, कठोर बोलते हैं, अपने आप को गाली देने लगते हैं, तो ये सब वाणी का दुरुपयोग है, वाणी का सदुपयोग तो यही एक ही बात में है कि वाणी निरंतर और निरंतर भगवान के गुण गान करती रहे, भगवान की लीला का गान करती रहे,
भगवान के नाम का जान करती रहे, भगवान के स्वरूप सौंदर्य माधुर्य का वर्णन करती रहे, भगवान के रस का वर्णन करती रहे, ये वाणी का साफल्य है। तो वो कहते हैं कि हमारी वाणी केवल आपके नाम गुण लीला के प्रसन्न में लगी रहे, और हमारे ये कान जिन कानों में संसार की बातें जाती कहता कि वो कहते हैं जो तो सांप के दिल हैं, जैसे सांप दिलों में जाते हैं जहरीले, इसी प्रकार जगत की बातें जो कानों में के अंदर हम अंदर ले जाते हैं वो जहर जगत का जहर भरा रहता है, वो हमें जलाता है, वैसा जलाने वाला विषय है। रात दिन पर चर्चा पढ़ाई बात जगत की बात भोगों की बात ये सुन सुन करके वो अंदर जाती है थी, और हमारे मन के भंडार में वो सब जाके बैठ जाती है, बड़ा भारी अपराध। फिर कहते हैं कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं ये निरंतर आपकी सेवा में लगे रहे, भोगों में न लगे, और हमारा मन केवल आपके स्मरण में ही प्रमत्त रहे। दूसरी चीज आए नहीं मन में, दूसरी कोई दूसरा संकल्प न आवे, दूसरी स्मृति न हो, केवल आपकी स्मृति लगे रहे, और हमारा मस्तक सारे जगत में आपको देख करके श्री राम सद में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोर पानी, ये सब तो प्रणाम करता रहे। और हमारे नेत्र निरंतर आपके श्री जगड़े को देखते रहे, और आपके जो भक्त लोग हैं उनका दर्शन करते रहे, ये हमारी आकांक्षा है, इसको आप पूर्ण करें। अब इस श्लोक की जरा अच्छी तरह हम लोग इसको समझेंगे, अगर फ्री रहा तो कल ये बहुत समझने का श्लोक है, और यही साधना कि सारी बातें इसमें आ जाती है। मन आ गया, कर्मेंद्रियां आ गई, ज्ञानेंद्रियां आ गई, और जो दो इंद्रियां बड़ी मुख्य हैं कान और जीभ, ये दो बड़ी मुख्य इंद्रियां हैं, इनकी बात आ गई, और ये सब के सुनने की चीज है, सब सुने इसको और उसको सुन करके धारण करें तो साधन सफल होगा, तो सत्संग सफल होगा। हरिओम।